मेरे बच्चों, जो कैरेवल ऐप है, हमने इसको अपडेट किया था। अभी ऐप की डबल पी आता है ना, तो इसको हमने अपडेट किया। तो अपडेट में हमने बहुत सारे फीचर इसमें इंक्लूड किए थे। पहला फीचर हमने इंक्लूड किया था कि जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं, आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसे देखना चाहें तो आपका इंटरनेट खर्च ना हो। क्लियर है? दूसरा, हमने एक एक चीज़ को, एक एक क्लास को सिस्टमेटिक बना दिया था इसके अंदर, और बहुत सारे चेंजेस किए थे। ठीक है? और एक चेंज किया था हमने ओटीपी का। अब कहानी क्या हो रही थी इस ओटीपी में, कि एक बच्चा बैच परचेज कर रहा था, और एक बच्चा जब बैच परचेज कर रहा था मेरे बच्चों, तो वो क्या करता था, अपनी आईडी बहुत सारे बच्चों को दे देता था, यूजर आईडी और पासवर्ड दे देता था। तो भाई तू भी देख ले, भाई तू भी देख ले, भाई तू भी देख ले, भाई तू भी देख ले। एट ए टाइम तो एक ही बंदा देख सकता था, लेकिन बहुत सारी जगह देखता था वहां ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, तो बहुत सारे बच्चों को दे देता था। और देखिए यार, हमारी भी बहुत सारी टीम लगी हुई है, बहुत मेहनत लगी हुई है। ऐसी फीस है नहीं कि यहाँ पे आपसे 1.5 लाख रुपए फीस ली जा रही है और बहुत अन्याय हो रहा है आपके साथ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी फीस बेहद कम है, एक बच्चे से कुल मिला के 300-400 रुपये बच पाते हैं, तो उसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो हमने क्या किया था, इस पर ओटीपी चालू कर दिया। अब ओटीपी चालू करने का परिणाम ये हुआ कि बच्चे नाराज हो गए। कौन से बच्चे नाराज हो गए? वो बच्चे जो 1999 में बैच खरीद के बाकी 20 बच्चों को ये बैच दिखाते थे, और उनसे किसी से 1000 रुपये लिया, किसी से 300 लिया, किसी से 400 लिया, और इस तरीके से वो कमाई करते थे। इससे हमने ये ओटीपी सिस्टम लागू किया। ओटीपी सिस्टम लागू करते ही इन बच्चों को दिक्कत होने लगी कि भैया ये तो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हमने फिर इस ऐप जो अपडेट हुआ था उसको बंद किया, और जो पुराना ऐप चल रहा था उसी को आगे बढ़ाया। लेकिन अब हमने इसमें एक फीचर जोड़ दिया, और ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी ने भी अपना ऐप परचेज किया है, किसी ने भी ऐप परचेज किया है, और मान लीजिए उसने इस फोन में उस ऐप को इंस्टॉल किया और उसने चलाया, और कोई इमरजेंसी हुई से, और फिर उसने इस ऐप को एक नए फोन में चला दिया, हम यहां तक उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसकी सारी चीजें सेफ है, कोई इशू नहीं। लेकिन अब अगर उसने ये क्लेम वापसी किया कि इस फोन से दोबारा वापसी उसी फोन में चला गया, हम उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। या 2 से ज्यादा फोनों में वो यूज कर रहे हैं, हम उठा के ब्लॉक कर दे रहे हैं। इसलिए बहुत सख्ती से इस नियम का पालन कर लेना, अदरवाइज आपका बैच पूरा जीरो हो जाएगा। आप 2 जने देख रहे हैं, हम मैनेज कर ले रहे हैं, भाई बहन मिलके बैठ के देख रहे हैं, हम वो भी मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे ही बैच को और 20 जगह बेचेंगे, तो वो सर बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी चीज़ें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम उठा के ब्लॉक कर देंगे उसको, और वो आगे कोई भी बैच परचेज नहीं कर पाएगा हमारे चैनल पर। इसलिए आगे से ध्यान रखिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम ऐप में अभी दोबारा अपडेट लेके आएंगे, क्योंकि अपडेट इन ओटीपी के चक्कर में हमें हटाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो चोर बैठे थे जिनको यही काम करना था, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी इससे। तो हमने कहा कि चलो यार, जिसकी रोजी रोटी पे चोट लगी होगी, जिसका धंधा यही था, तो उसको थोड़ा दिक्कत हुई होगी। इसके अंदर मॉक टेस्ट भी था, सब कुछ इसके अंदर डाला था हमने अपडेट में। मॉक टेस्ट था, टेस्ट दे सकता था बच्चा, क्लास का क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया से हो पा रहा था, बकायदा टाइम भी लिखा जाता था उसमें, कब ये क्लास हुई, कब क्या क्या उसका था, एक एक चीज़। लेकिन कोई नहीं, इनको दिक्कत ज़्यादा हुई, इन्होंने हंगामा मचाया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा उस हंगामे से। लेकिन हमने उसको एक बार मौका दे दिया। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं ना, हम इस ऐप को दोबारा से अपडेट कर रहे हैं, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे इसी वीक के आसपास में। लेकिन अब ये वाली जो कहानी है ना, कि एक फोन से दूसरे फोन में चला, मैनेज हो जाएगा, लेकिन दूसरे से वापसी उस फोन में चला या बाकी किसी फोन में चला, ब्लॉक हो जाएगा, जीरो। और फिर आप फोन करते रहेगा, कोई कंसीडर नहीं करेगा।